जय हिंद साथियों, नमस्कार, सुप्रभात। कैसे हैं आप? मैं हूं आपका दोस्त देवदत्त मिश्रा, आपके अपने चैनल कोचिंग जंक्शन पर प्रतिदिन की तरह लेकर के आया हूं करंट अफेयर की सीरीज। आज है 15 फरवरी, सुबह के बज गए हैं 7। मेरे साथ आप पढ़ते हैं परीक्षा में आने वाले इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के प्रश्न जो संबंधित होते हैं प्रतिदिन की समाचारों से, और हम उस समाचारों का डीप एनालिसिस करते हैं ताकि हम परीक्षा से संबंधित कॉन्सेप्ट्स को जो है क्या कर सकें, समझ सकें और उसका एनालिसिस कर सकें। चलिए देखते हैं आज की न्यूज़ क्या है और उस पर क्या प्रश्न बनाया गया है। न्यूज़ की हेडलाइन है, ब्लैक होल के पास मिल सकता है एलियंस की मौजूदगी का सबूत, ऊर्जा का है अनंत स्रोत। अब ब्लैक होल के पास मिल सकता है एलियंस की मौजूदगी, एलियंस का मतलब दूसरे ग्रह पर जो लोग रहते हैं, एलियंस का शाब्दिक अर्थ होता है विदेशी, लेकिन एलियंस जहां भी लिखा रहता है उसका मतलब होता है दूसरे ग्रह के प्राणी। अब कॉन्सेप्ट है कि ब्लैक होल के पास मिल सकता है, एक संभावना जताई जा रही है कि ब्लैक होल के पास क्या मिल सकता है, एलियंस की मौजूदगी का सबूत मिल सकता है। क्यों? क्योंकि वहां जो है ऊर्जा का अनंत स्रोत है। ब्लैक होल के पास क्या है? ऊर्जा का अनंत स्रोत है। अब ब्लैक होल क्या है, सबसे पहले तो हम समझ लें ब्लैक होल क्या है। ब्लैक होल समझने से पहले मैं आपको समझाना चाहूँगा कि गुरुत्वीय बल क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, ठीक है ना। आप जब तक गुरुत्वीय बल नहीं समझेंगे तब तक जो है आप ब्लैक होल को नहीं समझ पाएंगे। सबसे पहले आपको समझना जरूरी है व्हाट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। व्हाट इज ग्रेविटेशनल फोर्स? गुरुत्व का मतलब ही अगर थोड़ा सा देखा जाए, गुरु का हिंदी में जो मतलब होता है वो होता है बड़ा या भारी। इससे तात्पर्य यह हुआ कि जो कोई भी दो पिंड है, ठीक है ना, कोई भी दो पिंड है, जो भारी होगा वो दूसरे पिंड को अपनी तरफ क्या करेगा, खींचेगा, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब ये हुआ गुरुत्वीय बल क्या है, जिन दो पिंडों में द्रव्यमान है, ठीक है ना, किसी भी दो पिंडों में क्या है, द्रव्यमान है, द्रव्यमान का मतलब मास है, उन दोनों पिंडों के मध्य एक आकर्षण बल काम करता है, क्या करता है, अट्रैक्टिव फोर्स काम करता है। सभी पिंड, चाहे हम हो, आप हो, कोई भी हो, एक गुरुत्वाकर्षण बल जरूर काम करता है, एक ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता है, ठीक है ना, जिसे क्या कहते हैं हम, गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। इस गुरुत्वाकर्षण बल का जो मान होता है वो आप भौतिकी पढ़े होंगे तो होता है जी एम वन एम टू बटे आर स्क्वायर। एम वन एम टू कहने का मतलब जो दोनों पिंड हैं उनके द्रव्यमानों के समानुपाती होता है, मतलब जितने ज़्यादा भारी पिंड होंगे, समझ में आया, जितने ज़्यादा क्या होंगे, भारी पिंड होंगे उतना ही गुरुत्वीय बल ज़्यादा होगा। अब हम जैसे जो लोग हैं, आप हैं, हम हैं, हम आप कितने किलो के होंगे, बहुत होंगे, एक क्विंटल के होंगे, 100 किलो के होंगे, आप भी कितने हो गए, 75 किलो के हो गए। तो आप और हम, हमारे और आपके बीच जो गुरुत्वीय बल काम करता है वह जो है बहुत ही वीक होता है, बहुत ही कमज़ोर होता है, इसलिए हमें आपको एहसास नहीं होता है। लेकिन सपोज करिए जहाँ आप हैं वहीं एक बड़ा सा पिंड आ जाए, जैसे कि आ जाए पृथ्वी आ जाए, आप सोचिए आपका भार और पृथ्वी का भार, जब पृथ्वी का भार आ जाएगा तब वहां पता चलने लगता है कि गुरुत्व बल का मतलब क्या है, ठीक है ना। आप थोड़ा सा उछलिए, देखिए उछलने पे क्या होता है, पृथ्वी अपने आप खींच लेती है, खींच लेती है, किस लिए खींचती है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल काम करता है। गुरुत्वाकर्षण बल किन्हीं भी दो पिंडों के मध्य काम करता है, लेकिन चूंकि हमारा आपका आपस में मास यानी द्रव्यमान जो है बहुत कम होता है, इसलिए हमें जो है क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल का आपस में पता नहीं चलता है। लेकिन यही जब क्या हो जाता है, आकाशीय पिंडों के संबंध में हो जाता है, तो वहाँ गुरुत्वीय बल बहुत ही प्रबल महसूस होता है, ठीक है ना। तो गुरुत्वीय बल आपने समझा कि गुरुत्वीय बल ऐसा बल है जो किन्हीं भी दो पिंडों के मध्य आकर्षण बल के रूप में कार्य करता है। कैसे बल के रूप में? आकर्षण बल के रूप में कार्य करता है। ये चाहे जो भी पिंड हो, नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना, चाहे भी जो दो पिंड हो उनके मध्य गुरुत्वीय बल जरूर काम करता है। अब गुरुत्वीय बल काम करने के बाद अब थोड़ा सा और एक कॉन्सेप्ट जाते हैं, हमें आपको समझना है ब्लैक होल, ठीक है ना। थोड़ा सा मैं बहुत ही डिटेल में जाकर के आपको ऐसा समझा दूं कि आपके कॉन्सेप्ट में, आपके मन में समझ में आ जाए।
अब जैसे कोई स्टार है, स्टार का मतलब क्या हो गया, कोई तारा है, तो तारा तारा और ग्रह में अंतर क्या है बताइए। बेसिक्स क्वेश्चन अगर आपसे पूछ जाए तारा और ग्रह में क्या अंतर है, तो भैया तारा ऐसा आकाशीय या खगोलीय पिंड है जिसके अंदर क्या हो, स्वयं की एनर्जी हो, स्वयं की ऊर्जा हो, स्वयं की ऊर्जा उत्पादन करने की क्षमता हो, वह पिंड क्या कहलाता है, वह पिंड कहलाता है स्टार यानी तारा। और ग्रह क्या होता है, ग्रह ऐसा आकाशीय पिंड है जो ऊर्जा की जरूरतों को पूरा करने के लिए किसी भी स्टार के पास क्या लगाता है, चक्कर लगाता है, ठीक है ना। यानी ब्रह्मांड में ढेर सारे स्टार्स हैं और उन स्टार्स में सूर्य भी क्या है, एक तारा है, सूर्य भी क्या है, एक स्टार है, ठीक है ना। अब सूर्य को आप समझते होंगे कि सूर्य है क्या, जो आप सूर्य चमकते हुए देखते हैं तो सूर्य क्या है, सूर्य दरअसल कुछ है नहीं, बस एक आग का गोला है। क्या है, आग का गोला। अब आग का गोला कहने का मतलब यह हुआ कि इसमें हाइड्रोजन गैसें भरी हुई हैं जो क्या हो रही, बहुत तेजी से बर्न हो रही है, बहुत तेजी से जल रही है, और इसी जलने के कारण आपको क्या मिल रही है, अपार ऊर्जा मिल रही है। कैसे, किस रूप में, एक तो प्रकाश ऊर्जा आपको मिल रही है और दूसरी कैसी मिल रही है, दूसरी उष्मी ऊर्जा मिल रही है, क्योंकि जब भी कोई चीज़ जलता है तो वह दो प्रकार की ऊर्जा प्रदान करता है, एक प्रकाश ऊर्जा और दूसरा उष्मी ऊर्जा। तो सूर्य से आपको दो प्रकार की ऊर्जा मिल रही है, एक प्रकाश ऊर्जा और दूसरा उष्मी ऊर्जा। क्यों मिल रही है, क्योंकि हाइड्रोजन लगातार जल रहा है। जलने का मतलब हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, लगातार नाभिकीय संलयन हो रहा है, ठीक है ना, नाभिकीय संलयन हो रहा है। सूर्य से हमें ऊर्जा क्यों मिलती है, क्योंकि सूर्य में हाइड्रोजन का क्या होता है, नाभिकीय संलयन होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, ठीक है ना। ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, सूर्य की ऊर्जा का कारण क्या है, सूर्य में होने वाला नाभिकीय संलयन, पॉइंट टू बी नोटेड। अब संलयन को भी आप जानते हैं, संलयन का मतलब क्या है, संलयन का मतलब ये है कि दो तत्वों का जुड़ करके कोई नया और भारी तत्व बन जाना, वही कहलाता है संलयन यानी फ्यूजन कहलाता है। तो ये जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन क्या करते हैं, संलयित होकर क्या बनाने लगते हैं, हीलियम बनाने लगते हैं, ठीक। हर क्षण जो है हाइड्रोजन हाइड्रोजन हीलियम में बदल रहा है। अब सोचिए सूर्य बहुत बहुत बड़ा गोला है, इतना बड़ा गोला है कि इस पूरे गोलों को जो है जलने में भी, बर्न होने में भी, नाभिकीय संलयन होने में भी अरबों वर्ष लग जाएंगे, और लास्ट में जो है सूर्य क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा, और ये पूरी दुनिया क्या है, फिनिश हो जाएगी, 100% तय है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अभी उसमें क्या है, अरबों वर्ष लगेंगे, तब तक पता नहीं क्या होगा, ठीक। तो सूर्य में क्या हो रहा है, लगातार हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, हीलियम बनना जारी है। हीलियम से फिर और भारी कार्बन और भारी तत्व हो रहा है, हीलियम से फिर कार्बन वगैरह बन गया, कार्बन से फिर धीरे धीरे करते करते बड़ा भारी तत्व बनने लगा। एक ऐसी स्थिति आती है, किसी भी तारे में दो प्रकार की स्थिति आती है, उसमें एक ऐसी स्थिति आती है जब जब उसका जो आकार है, ठीक है ना, आकार क्या हो जाए, जैसे इसका आकार है इतना बड़ा, लेकिन आकार इतना बड़ा से सिमटते 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 बिल्कुल छोटा हो जाए, ठीक है ना, मतलब आकार बिंदुवत हो जाए, लेकिन जो उसका द्रव्यमान है, द्रव्यमान क्या हो जाए, अनंत हो जाए। अब जितने भारी तत्व है लगातार उनका क्या हो रहा है, संलयन हो रहा है, संलयन होते 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 एक ऐसी अवस्था पहुंच जाएगी जब इतना ज्यादा भारी पदार्थ बन जाएगा। अभी मैंने आपको बताया है भारी पदार्थ होने का मतलब, जो पदार्थ ज्यादा भारी होगा वह क्या होगा, ज्यादा गुरुत्वीय बल से दूसरे पिंड को क्या करेगा, अपनी ओर आकर्षित करेगा, ठीक है ना। मतलब जो जितना बड़ा पिंड होगा वो उतने ही ज्यादा गुरुत्वीय बल से दूसरे को आकर्षित करता है। अब यहां एक ऐसा केस बन गया है जहां जहां आप देखेंगे तो आकार उसका क्या हो गया है, न्यूनतम हो गया है, लेकिन उसकी उसका जो द्रव्यमान हो गया है वो क्या हो गया है, अनंत हो गया है। द्रव्यमान अनंत होने पर एक ऐसा कॉन्सेप्ट उत्पन्न हो जाता है कि कोई भी उसके आसपास से गुजरे वह क्या कर लेता है, सबको अपने अंदर समाहित कर लेता है। इसलिए कहा जाता है कि ब्लैक होल से किसी का भी बच पाना संभव नहीं है। अगर ब्लैक होल्स के आसपास से कोई गुजरा तो ब्लैक होल्स का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ब्लैक होल का जो गुरुत्वीय बल है, वह उसको अपने अंदर समाहित कर लेता है। इवन
इवन प्रकाश की किरण भी ब्लैक होल को पार नहीं कर सकती। जैसे ही प्रकाश की किरण इस एरिया के आसपास जाती है, वह प्रकाश की किरण को भी जो है अपनी ओर खींच लेती है। इसलिए ये जो फिगर दोनों दिए गए हैं ब्लैक होल के, ये फिगर जो है पूरी तरह काल्पनिक है, ठीक है ना। वास्तव में ब्लैक होल को किसी ने देखा ही नहीं है। अरे भाई, जब देखते हम किसको हैं, जिसको हमारी नजरों से जाने वाली किरणें सामने वाले की जगह रिफ्लेक्ट होकर के फिर हमारे पास वापस आ जाए, वही तो हमें दिखाई देता है। लेकिन अब यहां से प्रकाश की किरण जा तो रही है, लेकिन लौट पाना उसका संभव ही नहीं है, तो उसकी फोटो भी बनाई जाना संभव नहीं है। इसलिए ब्लैक होल का कोई भी फोटो मौजूद नहीं है। हालांकि कुछ वैज्ञानिकों ने कल्पना की होगी कि है कि ब्लैक होल दिखता कैसा है। तो ब्लैक होल वास्तव में क्या है? ब्लैक होल वास्तव में अंतरिक्ष में, अंतरिक्ष का वह क्षेत्र है जहां गुरुत्वाकर्षण बल क्या है? अनंत है। इतना ज्यादा गुरुत्वाकर्षण बल है कि उसके क्षेत्र में जाने पर किसी का भी वहां से वापस आना संभव नहीं है, चाहे वह सूर्य का या प्रकाश की किरण ही क्यों न हो, ठीक है ना। ब्लैक होल क्या है? ब्लैक होल इज ए रीजन इन स्पेस जहां पर गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है? इनफाइनाइट होता है, अनंत होता है, ठीक है ना। काले रंग का छिद्र तो ना टिक कर जाना, ठीक है ना। ब्लैक होल का मतलब आपने देखा, ब्लैक माने काला, होल मतलब छिद्र, तो काले रंग का छिद्र कर दिया, ये नहीं है। साइंस में ब्लैक होल का कॉन्सेप्ट क्या है? ऐसी जगह जहां से किसी भी चीज का आना संभव ना हो, ठीक है। देखते हैं अगली न्यूज क्या है। न्यूज ये है कि आज से फास्टैग के बिना टोल प्लाजा पर नहीं होगा पेमेंट। खरीदने के लिए जाने कैसे करें अप्लाई, ये सब अपना सिस्टम है, ढेर सारी कंपनियां इसको प्रोवाइड करा रहे हैं, ढेर सारे बैंक जो है फास्टैग आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। दरअसल हमें आपको समझना है फास्टैग है क्या, और प्रश्न आपसे पूछा गया है फास्टैग व्यवस्था का संचालन कौन सी कंपनी या संस्थान कर रही है। हमें तो क्या ढूंढना है, हमें तो न्यूज पढ़ना है, न्यूज को समझना है, और उसमें से ऐसे पॉइंट्स को निकालना है जो क्या हो सकता है हमारी परीक्षा में पूछा जा सकता है। हम इसी बात पर फोकस करते हैं, आपका भी ध्यान क्या होना चाहिए, इसी बात पर होना चाहिए कि कोई न्यूज आई है तो उसमें से परीक्षा के लिए काम का क्या हो सकता है। तो फास्टैग पर न्यूज आई है, तो फास्टैग पर एक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है कि फास्टैग व्यवस्था का संचालन कौन करता है, हु ऑपरेट्स फास्टैग, ठीक है ना। फास्टैग सिस्टम व्यवस्था का संचालन कौन सी कंपनियां सिस्टम कर रही है। फास्टैग आप जानते हैं ना, जानते नहीं जानते हैं, चलिए मैं बता दे रहा हूं। यह फास्टैग ऐसी व्यवस्था है कि कोई भी वाहन है, कोई भी मोटर वाहन है, उसके विंड स्क्रीन पर एक जो है RFID की पट्टी चिपका दी जाती है। RFID क्या है? RFID का मैं पूरा नाम बता दे रहा हूं, अब इसके अंदर घुसने की जरूरत नहीं है। इसका पूरा नाम है रेडियो फ्रीक्वेंसी, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। एक नई प्रकार की टेक्नोलॉजी है जिसको क्या कहते हैं, RFID बोलते हैं, ठीक है ना। RFID टेक्नोलॉजी काम ये है कि इसमें जैसे आप क्या करें, आप किसी जो है टोल प्लाजा के पास गए, ठीक है ना, ये है आपका टोल प्लाजा, दिखाई पड़ रहा है। तो जैसे ही आप गए, आपकी विंड स्क्रीन पर लगा फास्टैग का जो RFID है, वो इसके सिस्टम के साथ क्या हो जाएगा, इसको सूचित कर देगा कि इस वाहन की गाड़ी आ गई है, और यह जो है जुड़ा होगा आपके किसी अकाउंट से, किसी वॉलेट से जुड़ा होगा, अकाउंट या वॉलेट से यह जुड़ा होगा। और आप जैसे इसको करेंगे तो यहाँ एक ऑटो जो है पेमेंट जनरेट सिस्टम लगा होता है, वो आपके इस वॉलेट से क्या कर लेगा, पैसा जो है जितना उसका टोल प्लाजा का है उसमें क्या कर लेता है, कन्वर्ट कर लेता है। तो इससे क्या होता है, टोल प्लाजा पर अनावश्यक रूप से जाम जैसी स्थिति नहीं होती है, ठीक है ना। क्योंकि आप देखेंगे हाईवे पर ढेर सारी गाड़ियों का संचालन रहता है, और जहां फास्टैग व्यवस्था नहीं लागू है वहां टोल कर्मियों को व्यक्तिगत रूप से जो है पर्ची काटनी पड़ती है, तो बहुत सारा जो है समय वेस्ट होता है। समय बचाने के लिए फास्टैग व्यवस्था को अपनाया गया है, जिसमें गाड़ी के विंड स्क्रीन पर, गाड़ी के शीशे पर रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन की एक पट्टी चिपका देती है, और उसी में जो है आपका वॉलेट क्या होता है, लिंक होता है, जिसको आप समय समय पर रिचार्ज कराते हैं, और जितना पैसा रहता है उसी आधार पर पैसा क्या हो जाता है, ऑटोमेटिक टोल प्लाजा पर कट जाता है। इस व्यवस्था को आज से अनिवार्य बना दिया गया है,
ठीक है ना, आज से इस व्यवस्था को अनिवार्य बना दिया गया है। अगर आपके पास फास्ट टैग नहीं है तो आपको मैनुअल पेमेंट के लिए जितना आपका टोल शुल्क है उसका दोगुना टोल शुल्क देना होगा, ऐसी सूचना स्वयं नितिन गडकरी जी ने दी है। ठीक है ना, नितिन गडकरी जी क्या है, परिवहन मंत्री है भारत सरकार के। ठीक है ना, अब प्रश्न अभी भी बचा हुआ है कि फास्टैग व्यवस्था का संचालन कौन करता है। तो फास्टैग व्यवस्था का संचालन करता है एक कंपनी है, इंडियन हाईवेज मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड। यह कंपनी बनाई गई है, इसलिए बनाई गई है ताकि क्या हो, फास्टैग व्यवस्था का संचालन किया जा सके। इस कंपनी को दो कंपनियों ने मिलकर के बनाई है, एक है NHAI जिसको कहते हैं नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। दूसरा है NPCI, NPCI का मतलब नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। भारत में जो भीम UPI ये सब का जो कॉन्सेप्ट है, यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम का कॉन्सेप्ट है, उसको जो है उसका संचालन करती है NPCI यानी नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो NHAI और NPCI दोनों का संयुक्त उपक्रम क्या है, इंडियन हाईवेज मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड है जो फास्टैग व्यवस्था का संचालन करता है। पेटीएम पेमेंट बैंक पर टिक लगा क्या है, क्योंकि पेटीएम का ज़्यादातर ऐड आता रहता है कि फास्टैग जो है तुरंत खरीद है पेटीएम से, तो कन्फ्यूज न होइएगा कि आप पेटीएम लगा के चले आए। ठीक है ना, भेल गेल तो अलग कंपनियाँ हैं। ठीक है ना, ये इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है, ये गैस की कंपनी है, इस पर भी आपको टिक नहीं लगाना है। चलिए देखते हैं अगली न्यूज क्या है। न्यूज है, जानिए आखिर क्यों और किस लिए म्यांमार के छात्र संघों ने मांगी चीन के राष्ट्रपति से मदद। ठीक, दरअसल आप जान रहे हैं कि म्यांमार में क्या है, आपका पड़ोसी देश है म्यांमार, वहां सैन्य तख्ता पलट हो चुका है। ठीक है ना, क्या हो चुका है, सैन्य तख्ता पलट। सैन्य तख्ता पलट का कॉन्सेप्ट आप जानते हैं, जब किसी देश की निर्वाचित सरकार को, इलेक्टेड गवर्नमेंट को सैनिक या सेना जो है, सेना प्रमुख क्या करे, उसको जबरन क्या कर दे, सरकार सरकार के मुखिया को क्या कर दे, जबरन जो है सरकारी व्यवस्था से बेदखल कर दे और स्वयं शासन का जिम्मा अपने हाथों में ले ले। यानी छोटे टर्म में आप समझ लीजिए कि जब सेना क्या करे, निर्वाचित सरकार को या निर्वाचित सरकार से शासन व्यवस्था जबरदस्ती अपने अधीन ले ले, तो उसको कहा जाता है तख्ता पलट। ठीक है ना, क्या कहा जाता है, तख्ता पलट। तख्ता पलटने का मतलब ये नहीं कि कोई लकड़ी का तख्ता उसको पलट दिया गया, तख्ता पलट का मतलब वो है शासन व्यवस्था को जबरदस्ती अपने अधीन ले लेना। और आपके पड़ोसी देश म्यांमार में ऐसा हो चुका है। पिछला न्यूज करंट अफेयर्स का आप देखते होंगे इस सीरीज पर, तो आपको पता होगा कि म्यांमार में जो है तख्ता पलट हुआ है और म्यांमार के राष्ट्रपति, वहां की सर्वोच्च नेता आंग सान सू की, इन सब को हिरासत में ले लिया गया है, जिससे वहां विरोध प्रदर्शन हो रहा है और वहां के कुछ यूनिवर्सिटीज के छात्र संघों ने मांग की है चीन के राष्ट्रपति से, क्योंकि चीन जो है म्यांमार का पड़ोसी देश है और उसका जो है म्यांमार की सेना में बहुत इन्फ्लुएंस है। ठीक है ना, ये मदद मांगी है कि आप जो है इस सरकार को, सैन्य सरकार को आप पहचान न दें, सैन्य सरकार को आप मान्यता न दें और निर्वाचित सरकार को फिर से जो है शासन व्यवस्था संभालने में मदद करें। अब प्रश्न क्या बन सकता है, एक प्रश्न तो बन सकता है कि आपके पड़ोसी देश में, किस पड़ोसी देश में हाल ही में तख्ता पलट हुआ, तो वो आप देख चुके हैं कि म्यांमार में जो है तख्ता पलट हुआ। ठीक ना, दूसरा प्रश्न ये बन सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा म्यांमार का पड़ोसी देश नहीं है। तो एटलीस्ट हम देख लेते हैं कि म्यांमार का पड़ोसी देश है कौन, तभी तो जानेंगे कौन पड़ोसी देश नहीं है। भाई म्यांमार हमारा पड़ोसी है, पड़ोसी के बारे में जानना हमारा पूरा क्या है, हक है, आपको अपने पड़ोसी के बारे में पूरा जानना चाहिए। आप देख रहे हैं ये भारत का नक्शा है, भारत की जो पूर्वी सीमा है आप देख रहे होंगे, तो भारत की पूर्वी सीमा जो है ये है। ठीक है ना, ये क्या है, भारत की पूर्वी सीमा है, यहां से जो है कट करके अलग हो जाती है। ठीक है ना, ये भारत की पूर्वी सीमा है और ये है म्यांमार। ठीक है ना, दिख रहा है आपको, ये क्या है, म्यांमार की सीमा है, यहां तक है। ठीक है ना, ये क्या है, म्यांमार है।
ठीक, आपको समझा ये क्या है, म्यांमार है। अब देख लेते हैं आपका पड़ोसी देश म्यांमार है, तो म्यांमार के अगल बगल में कौन सा देश है हमें जानना जरूरी है कि नहीं जरूरी है? जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है, परीक्षा में पूछा जा सकता है, पूछा जाता ही है। तो सबसे पहले म्यांमार के आसपास कोई अगर देश है तो ये विशालकाय जो देश दिख रहा है, ये जो देश दिख रहा है सबसे विशालकाय टाइप का, ये है चीन। कौन सा है? चीन, जो भारत का भी पड़ोसी देश है प्लस म्यांमार का भी पड़ोसी देश है, ठीक है ना? दिखा कि नहीं दिखा? सबसे पहले क्या आया? चीन आया। उसके बाद दूसरा जो पड़ोसी देश दिख रहा है, ये कलर चेंज कर देता हूं, दूसरा जो पड़ोसी देश दिख रहा है ये है लाओस, ठीक है ना? ये कौन सा देश है? लाओस। इसकी भी सीमा जरा आप ध्यान से देखिएगा, इसकी भी सीमा बड़ी अटपटी सी है, ये है आपका लाओस। तो म्यांमार का एक पड़ोसी देश कौन सा हो गया? लाओस हो गया। दूसरा पड़ोसी देश कौन सा हो गया? चीन हो गया। तीसरा पड़ोसी देश स्वयं भारत है। चौथा पड़ोसी देश देखेंगे तो चौथा पड़ोसी देश अगर आपको देखना है तो चौथा पड़ोसी देश देखेंगे तो ये है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है थाईलैंड। इसकी सीमा इस प्रकार से है कुछ, ठीक है ना? तो म्यांमार के पड़ोसी देश कौन कौन से हुए? एक और पड़ोसी देश है जो छूटा जा रहा है, वो है बांग्लादेश। बांग्लादेश की भी इतनी सीमा जो है म्यांमार से मिलती है, ठीक है ना? इस बात को थोड़ा सा नोट करिए रहिएगा, म्यांमार का एक पड़ोसी देश क्या है? बांग्लादेश भी है, ठीक है ना? इतनी सीमा जो है म्यांमार और बांग्लादेश से मिलती है। तो म्यांमार के पड़ोसी देश कौन कौन से हुए? हाँ, मैप से क्या पता चल रहा है कि म्यांमार के पड़ोसी देश कौन कौन से हुए? एक तो हो गया चीन, दूसरा हो गया भारत, तीसरा हो गया लाओस। अरे इन सब देशों के बारे में ही जानते रहिए कि लाओस कहाँ है, थाईलैंड कहाँ है, वियतनाम कहाँ है, कंबोडिया कहाँ है, सब भारत के बिल्कुल एक्सटेंडेड नेबरहुड में है। भारत का जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, आपने सुना होगा एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, वह इन्हीं पूर्वी देशों पर केंद्रित है कि इन्हीं पूर्वी देशों के साथ हमें क्या करना है, अच्छे संबंध विकसित करना है। तो कम से कम आप जान तो जाओ कि हमारे ईस्ट में, हमारे पूर्व में कौन कौन से देश हैं। तो आपके पूर्व में एक देश तो बांग्लादेश पड़ता है, दूसरा म्यांमार पड़ता है, और इधर से क्या पड़ता है? थाईलैंड, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, मलेशिया, ठीक है ना? तो म्यांमार के पड़ोसी देश कौन से हो गए? चीन, भारत, लाओस, बांग्लादेश, और थाईलैंड, ठीक है ना? ये क्या हो गया? म्यांमार के पड़ोसी देश हो गए, ठीक है ना? अब यानी इन देशों से म्यांमार की सीमा क्या करती है? मिलती है, ठीक है ना? इन देशों से म्यांमार की सीमा मिलती है। अब जरा इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। प्रश्न क्या पूछा गया है? प्रश्न पूछा गया है म्यांमार का पड़ोसी देश कौन नहीं है। तो आपने देखा चीन भी म्यांमार का पड़ोसी देश है, भारत भी म्यांमार का पड़ोसी देश है, लाओस भी म्यांमार का पड़ोसी देश है, ईरान म्यांमार का पड़ोसी देश नहीं है। यानी विकल्प क्या सही हो गया? ईरान। ईरान ऐसा देश है जो म्यांमार का पड़ोसी नहीं है, क्योंकि ईरान कहाँ पड़ता है? ईरान पड़ता है यहाँ, ईरान देख रहे हो आप, यहाँ पड़ता है, ये है ईरान और ये है म्यांमार, तो दोनों में काफ़ी दूरी है, ठीक है ना? चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ क्या है, प्रश्न क्या है? प्रश्न ही डायरेक्ट है दरअसल। भारत की किस स्टार एथलीट को असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने DSP नियुक्त करने का फैसला किया है? तो एक बात जान लीजिए कि असम के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। उन्होंने किसी स्टार एथलीट को DSP नियुक्त किया है। वो स्टार एथलीट कौन है? ऑप्शन ने दिया हिमा दास, ज्योति चंद्र, रमेश सिंधु, सुधा सिंह। सही जवाब है वो है हिमा दास। आपको बगल में दिख रहा होगा हिमा दास। अभी इनकी उम्र देखा जाए तो बमुश्किल 20 वर्ष हुई है, ठीक है ना? बमुश्किल इनकी उम्र कितनी है? 20 वर्ष है। और संघर्षों से इनका जो है बचपन से नाता रहा है। इतना संघर्ष इन्होंने किया है कि इनकी एक कहानी बड़ी ही प्रेरणादायक लगती है कि जब ये जूते पहनती थी, इनके पिताजी जो है जूते जब लाते थे तो वो जूते चूंकि किसी ब्रांड के रहते नहीं थे, तो उन जूतों पर इन्होंने जो है पेंसिल से क्या लिखा था? एडिडास लिखा था, ठीक है ना? बड़ी बहुत रोचक प्रेरक प्रसंग है। अपने जूतों पर इन्होंने खुद अपनी पेन से लिखा था एडिडास, ताकि जो है थोड़ा सा कुछ जो है अच्छा लगे। और आज इनकी मेहनत, इनका हौसला इतना प्रबल हो गया कि एडिडास को स्वयं हिमा दास को क्या बनाना पड़ा? ब्रांड एम्बेसडर बनाना पड़ा। और
एडिडास के खास जूते जो है हिमादास नाम से जो है मार्केट में आए हैं। आप सोच लीजिए आप जो है कि आपकी मेहनत और आपकी लगन क्या क्या परिणाम हासिल कर सकती है। इसलिए मेहनत हमेशा करिए, दिल खोल के करिए, ठीक है ना, दिल खोल के करिए, परिणाम उसका जो है जरूर सामने आता है, आपकी मेहनत का फल आपको जरूर मिलेगा, ठीक है ना। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो गया हिमादास। हिमादास जो है असम की है, असम की रहने वाली है, अभी उनकी उम्र मुश्किल 20 वर्ष हुई है। उनको असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने वहां डीएसपी पद पर नियुक्ति प्रदान की है। डीएसपी का मतलब होता है पुलिस उपाधीक्षक। इनको जो है धींग एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? धींग एक्सप्रेस, क्योंकि इनका जो जन्म स्थान है वो है धींग। कहाँ है जन्म स्थान? धींग है। धींग एक्सप्रेस के नाम से भी हिमादास को जाना जाता है। ये भी परीक्षा के लिए पॉइंट वाला विषय है। इनके पास 400 मीटर की दौड़ में नेशनल रिकॉर्ड है, ठीक है ना। क्या है? नेशनल रिकॉर्ड है, जिसे इन्होंने एशियन गेम्स के दौरान बनाया था, जब 400 मीटर की दौड़ उन्होंने मात्र 50.79 सेकंड में पूरी की थी, ठीक है ना। मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि वर्तमान समय में 400 मीटर की रेस में सबसे कम समय किसने लिया है, या 400 मीटर दौड़ की सबसे तेज धाविका कौन सी है, तो वो है हिमादास। कौन है? हिमादास, जिन्होंने अपने जज्बे और जुनून से उस मुकाम को हासिल किया है, जो मुकाम जो है लोगों के सपनों, लोग सपना देखते हैं, जिस मुकाम को पाने का लोग क्या करते हैं, सपना देखते हैं, वो प्रेरणादायक शख्सियत कौन है? हिमादास, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला समाचार क्या है और उस पर अगला प्रश्न क्या बना है। समाचार है, हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री, हाल ही का मतलब परीक्षा में आपसे पूछा जाएगा, कल की बात है। कल भारत के प्रधानमंत्री का दक्षिण भारतीय राज्यों का कुछ दौरा था, चेन्नई गए थे, फिर कोच्चि गए थे। वहां पर उन्होंने चेन्नई या कोच्चि में अर्जुन टैंक के एक नए अपग्रेडेड वर्जन को सेना को समर्पित किया, ठीक है ना। अर्जुन टैंक का निर्माण तो 1972 से चल रहा है, ठीक है ना। उसके बाद से अर्जुन टैंक की कुछ खेप जो है सेना को ऑलरेडी मिल भी गई है, लेकिन उसका एक अपग्रेडेड वर्जन आया है MK-1A, ठीक है ना। अपग्रेडेड वर्जन क्या है? MK-1A, जिसे भारत के प्रधानमंत्री ने देश को समर्पित किया गया। इसमें जो है पुराने अर्जुन टैंक के मुकाबले कुछ ज्यादा खासियत है, ठीक है ना। और दूसरा, ये थोड़ा सा ज्यादा इंडिजीनियस है। इंडिजीनियस कहने का मतलब ये ज्यादा स्वदेशी है, ठीक है ना। स्वदेशी की दिशा में यह जो है एक बड़ा मील का पत्थर है, क्योंकि ज्यादातर इसके पार्ट्स जो है भारत में ही बनाए गए हैं, ठीक है ना। ये कुछ फोटोज हैं, न्यूज है, व्हाट इज द अर्जुन मेन बैटल टैंक। तो अर्जुन मेन बैटल टैंक जो है DRDO के द्वारा 1972 में शुरू किया गया था। DRDO का मतलब जानते हैं ना? DRDO का मतलब होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना, रक्षा अनुसंधान एवं विकास परिषद। और एक कंपनी है, कंपनी का संस्थान कर लीजिए कॉम्बैट व्हीकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट, ठीक है ना। इसी के निर्देशन में अर्जुन टैंक क्या हुआ? बनना शुरू हुआ, ठीक है ना। ये अर्जुन टैंक दिख रहा है आपको, मोदी प्रधानमंत्री मोदी जी सलामी दे रहे हैं, और इसका अपग्रेडेड वर्जन MK-1A भारत में, भारत की सेना में सम्मिलित करने के लिए बिल्कुल तैयार है, ठीक है ना। उसकी कुछ खासियत वगैरह दिए हैं, आप पढ़ लीजिएगा। तो आज के इसी सेक्शन के साथ हम अपने इस करंट अफेयर की सीरीज से विदा लेते हैं। एक ये भी है, सेना के जवानों के साथ वो सेल्फी ले रहे हैं, ठीक है ना, चेन्नई में, ठीक है ना, चेन्नई में कल यानी रविवार को। इसी प्रश्न के साथ हम आपसे विदा लेना चाहेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अपने मित्रों और अपने साथियों को चैनल का लिंक जरूर शेयर करें, ताकि उनको भी ऐसे ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की सीरीज प्रतिदिन मिलती रहे, ठीक है ना। हमारा आपके साथ जो है यह संबंध लगातार चलता रहेगा। मैं आपके साथ प्रतिदिन मेहनत करता रहूंगा आपकी भलाई के लिए। अगर आपको अच्छे से रेगुलर किसी बैच के लिए पढ़ाई करनी है, तो आप डाउनलोड करिए प्ले स्टोर से, इस कमेंट सेक्शन के नीचे उसका लिंक दिया गया है, कोचिंग ग्रीन स्नैप डाउनलोड करिए और नियमित अच्छी पढ़ाई करिए, ठीक है ना, नियमित अच्छी पढ़ाई करिए। अगर कोई भी दिक्कत आपको आती है, तो आप बेशक किसी भी समस्या के लिए 97-93-37-10-24 पर व्हाट्सएप या फोन कर सकते हैं, ठीक है। जय हिंद, नमस्कार, आपका दिन शुभ रहे।